diamond from gold. Maybe you are, maybe you are something I cannot define. Maybe you are, maybe you are the fallen kind. I lay in bed with violence, the silent side of me. We see where fire starts to breathe. When night would lay in silence, the voice inside of me. Hello people, कैसे हो आप लोग? And this is Rongshu, दिल का दोस्त और आपका होस्ट आपका Rongshu. And आज का सीन्स कुछ ऐसा है, आज संडे है and मैं एक बहुत ही स्पेशल चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ. तो रिसेंटली मैं गिफ्ट किया हूँ खुद को एंड बहुत दिनों बाद हम लोगों का इंटरेक्शन हो रहा है फेस टू फेस. एंड चलिए ज़्यादा बात लंबा ना खींच के वो चीज़ क्या है, वो गिफ्ट क्या है जो मैं खुद को गिफ्ट किया हूँ वो आपको दिखाता हूँ. चलिए सो पीपल लेट मी शो यू द गिफ्ट एंड हियर कम्स द बिग बॉक्स. बिग बॉक्स एंड लेट मी शो यू द लोगो. आप देख पा रहे हो, आप देख पा रहे हो. And जो ये देख पा रहे हो, अभी तक आप समझ ही चुके होंगे क्या किसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ और क्या गिफ्ट है. तो चलिए इस ब्यूटीफुल शानदार सा बॉक्स को ओपन करते हैं. तो पीपल इसको ओपन करते हैं. Oh, the beauty. Woo! The beautiful. So, let me open this beautiful helmet. ये कुछ manuals है, empty का. तो पहले खोल लेते हैं. ये कुछ मैनुअल्स है एंटी का एंड देख लीजिए विच सीरीज आई हैव परचेस्ड एंड इसको रख देते एंड इसको धीरे धीरे ओपन करते हैं. And people, this is the beautiful, beautiful helmet which I gifted to me in this puja. And कैसा हुआ है आप बताइए, कैसा हुआ है helmet? Comment section में जरूर बताइए. And let me tell you which series this is. This is the, आप देख पा रहे हो यहाँ पे, this is the MT-103 series helmet, matte black है पूरा. एंड दिस माई फेवरेट कलर. बहुत दिनों से मैं ढूंढ रहा था इसको, बहुत दिनों से, बहुत रिसर्च के बाद ये हेलमेट मुझे परफेक्टली सूटेड लगा मेरे लिए. आफ्टर 5 years आई हैव गिफ्टेड टू मी अ न्यू हेलमेट. लेट मी शो यू माई प्रीवियस हेलमेट विच आई यूज. इसको रखते हैं थोड़ा साइड में. एंड दिस इज माई प्रीवियस हेलमेट यूज फॉर ऑलमोस्ट 5 years जो ब्लॉगिंग में भी मुझे सहायता करता था. ये देखिए ब्लॉगिंग सेटअप है इसमें. दिस इज अ हेलमेट ऑफ THH, आप देख पा रहे हो ये THH कंपनी. एंड इसका जो वाइजर है इसमें बहुत सारा स्क्रैचेस हो गई है, स्क्रैचेस. सो आई हैव टू चेंज इट एंड आई विल यूज दिस ऑल्सो. दिस विल बी माई प्राइमरी हेलमेट एंड जो मैं इसको साइड में रखते और जो मैं इसको लिया है दिस विल बी माई प्रीमियम हेलमेट फॉर राइड्स, फॉर लॉन्ग राइड्स एंड
big events and इसमें भी मैं ब्लॉगिंग सेटअप करूँगा कुछ दिनों बाद, लेकिन अभी इसको थोड़ा देखते हैं इसका जो स्पेशलिटी है, क्या क्या स्पेशलिटी है इस सीरीज में थंडर एमटी का, इस हेलमेट पे क्या क्या स्पेशलिटी है थोड़ा जान लेते हैं इसका। सो पीपल, पहले थोड़ा बोल देते हैं आपको, ठीक है? आई होप कैमरा विल जस्टिस, आप देख पा रहे हो हेलमेट के ऊपर क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है? आप थोड़ा पहले देख लीजिए, मैं फिर बताता हूँ। पहला है क्विक रिलीज, ठीक है? उसके बाद है 2.2 mm थिकनेस, उसके बाद है एंटी स्क्रैच, और उसके बाद है पीसी लेंस, एंड इसका जो साइज है, ठीक है, इस हेलमेट का जो साइज है ये किस किस साइज में आता है? 2x स्मॉल, x स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, XL, 2XL एंड 3XL। मेरा जो साइज है वो 2XL है, क्योंकि मेरा सिर बहुत बड़ा है। तो इसको पहले मैं पहन के आपको दिखाता हूँ कैसा लगता है। पहले इसका जो ये कवर है इसको हटा दे हेलमेट के ऊपर से, मोर गॉर्जियस। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा द प्रीमियम लुक इज गिविंग, एंड लेट मी जस्ट वेयर इट, इसको पहन लेते फिर देखते कैसा लग रहा है। हेलमेट में हर टाइम स्क्रैचेस ना लगे इसलिए यह से ओपन करना पड़ता है, इसको मैं ओपन कर लिया, इसको पहन के देखता हूँ। पीपल, दिस इज द हेलमेट, एंड आपको मैं इस लॉक के बारे में बता देता हूँ। जो नॉर्मल हेलमेट्स होता है उसमें डी लॉक नहीं होता है, दिस इज द डी लॉक, एंड डी लॉक आपको बहुत अच्छा प्रोटेक्शन देता है, बहुत बहुत अच्छा प्रोटेक्शन देता है, क्योंकि जब इम्पैक्ट होता है, मान लीजिए भगवान ना करे आपको एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, तब आपका हेलमेट नॉर्मल लॉक से क्या होता है, खुल के अलग हो जाने का डर रहता है, लेकिन ये जो डी लॉक है ना, ये डी लॉक यहाँ पे ऐसे डाल के आप ये इसको आप पूरा चेन के साथ अच्छी तरह से इसको बंद कर सकते। आपको मैं दिखाऊंगा कैसे बंद करना है। अभी मैं हेलमेट का फिटिंग के बारे में बात करता हूँ। मेरा जो देख पा रहे हो ये पूरा का पूरा हेलमेट फिटिंग्स का मेन फंडा क्या है, एक हेलमेट को लेकर आप जब पहनोगे तो ऐसे ऐसे आप करोगे, ऐसे 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 जब करोगे आपके सिर को ऐसे ऐसे करोगे, तो हेलमेट अगर ऐसे 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 होता है या फिर अगर गैप रहता है तो हेलमेट आपके लिए परफेक्ट नहीं है। मेरे ये हेलमेट परफेक्ट है क्योंकि इसमें इसमें गैप नहीं, ठीक है? एंड कैसे लग रहा है ये हेलमेट, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। पहला जो चॉइस मैं किया था इसका कलर के लिए, बहुत ही अच्छा कलर है, एंड आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद दिस। एंड उसके बाद ये देखिए, दिस इज द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग इन माई हेलमेट, क्योंकि और एक चीज आपको दिखाता हूँ, ये देखिए आप देख पा रहे हो ये एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन वाइजर जो आंखों के लिए है, जो सनलाइट्स आता है, ये फुल वाइजर के साथ ये अंदर में रहता है, ये यहाँ से कंट्रोल करना पड़ता है, ये इसको ये किया ये उठ गया, और इसको दबाऊंगा और नीचे आ जाएगा, ठीक है, और इसको प्रेस करूंगा फिर से ऊपर चला जाएगा। तो इसको खोल दे एंड फिटिंग्स इज परफेक्ट, वेरी मच परफेक्ट, यहाँ से इसको मतलब देखिए आ गया। दिस सन वाइजर विच इज वेरी हेल्पफुल फॉर लॉन्ग राइड्स, एंड जो रे आता है डायरेक्ट आंखों में, और जो भी कोई बहुत सारा हवा दे रहा है, बहुत सारा
बारिश हो रहा है ठीक है, फिर भी ये आंखों को आपको प्रोटेक्ट करना है। तो इसका जो लेयर है इसको भी हटा दे। सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है ये सब हेलमेट में आपको अगर सपोजन फील होता है आप लॉन्ग राइड कर रहे हो तो एयर पासिंग का बहुत अच्छा सुविधा है। ये देखिए ये जो है ये जो वेंट्स है आप देख पा रहे हो, ये देखिए ये ऊपर प्रेस करने से वेंट्स बंद हो जाता है और नीचे प्रेस करने से वेंट ओपन हो जाता है, ऐसे एयर अंदर जाएगा हेलमेट के आपको, जो आपको सुकून देगा। और उसके बाद जो ये देखिए ये ऊपर में ये मैं खोल दिया, ये देखिए ये एक वेंट है ठीक है, जिससे आपका एयर यहाँ से निकल थोड़ा थोड़ा करके निकलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है दिस इज द अनदर वेंट बैक साइड में हेलमेट का, यहाँ से आपका एयर निकल जाएगा जो सो एरोडायनेमिक के लिए ये हेलमेट बहुत ही अच्छा है। तो सामने से एयर अंदर जा रहा है ऊपर से और पीछे से ये एयर निकल जा रहा है। तो पीपल दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ हेलमेट। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जिसके बारे में मैं बात कर रहा था वो है ये डी लॉक। ये डी लॉक लेट मी शो यू द लॉक हाउ इट इज, ये देखिए इज द डी लॉक आप देख पा रहे हो। एंड व्हाट इज द बिटवीन डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डी लॉक एंड नॉर्मल क्लिप ऑन लॉक वो मैं दिखा रहा हूँ, इसको मैं साइड में रखता हूँ। एंड मेरा जो THH का हेलमेट है ये देखिए इसका लॉक देखिए ये पूरा का पूरा डिफरेंट है, ये डी लॉक नहीं है ये नॉर्मल लॉक है, ये देखिए ये यहाँ से अंदर डालने से ये देखिए लॉक हो गया। लेकिन दिस इज नॉट दैट सेफ और सिक्योर डी लॉक इज मोर, अगर मान के चलो कोई कॉलिशन होता है तो ये यहाँ से निकल जा सकता है, ये आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। सो दिस इज नॉट वेरी सिक्योर as compared to D-lock, and this is the D-lock, and ये जो portion है ये portion है आपको चिन को जो बाहर का जो कोई भी बाहर का जो चीज़ है उससे protect करने के लिए, बाहर का जो धूप बाहर का जो बाली बाहर का जो मैल होता है वो अगर आपके चिन में ना अम्मा था है इसलिए ये दिया हुआ है, ये बहुत अच्छा है, क्वालिटी इज़ वेरी गुड। एंड दिस इज द डी लॉक, आपको आपका सिर को एडजस्ट करके ये देखिए मैं अंदर इसको डाल रहा हूँ, सिर को एडजस्ट करके यहाँ से इसको प्रेस करके लगा देना है ठीक है। अभी इस आपका चीन कितना है इसको ऊपर निर्भर करेगा ये कैसे एडजस्ट होगा। सो पीपल और एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपको इस हेलमेट के बारे में बताना है वो है इसका पैडिंग, पैडिंग ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है हेलमेट का, इसका क्वालिटी MT का बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है, आप अंदर तक देख पाओगे नहीं मुझे पता नहीं है लेकिन थोड़ा तो देख पाओगे। देखिए अंदर का पैडिंग भी बहुत अच्छा है एंड क्वालिटी इज़ वेरी वेरी गुड। एंड
ये जो सर्टिफिकेशन है, थोड़ा सर्टिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं, थोड़ा सर्टिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। ये है डॉट सर्टिफिकेशन जो US से आता है, और ये ECE सर्टिफिकेशन जो यूरोप से आता है। बेसिकली ये हेलमेट्स यूरोप से सर्टिफाइड होता है और चाइना में इसका मैन्युफैक्चरिंग होता है। एंड सो पीपल, दिस विल बी माय हेड प्रोटेक्टर्स इन फ्यूचर। दिस इज माय न्यू वन, माय ब्लैक बेबी, एंड दिस इज माय ओल्ड वन व्हिच आई गॉट फॉर 5 years ऑलमोस्ट नाउ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज इसका कॉम्प्लीमेंट इसको मिल गया। दे विल कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, द THH एंड द MG, एंड इन फ्यूचर इसके बगल में भी और एक शानदार ब्यूटी आने वाला है। थोड़ा देर है उसमें। सो कैसे लगा मेरा दो ब्यूटी को? एक पुराना वाला लेकिन दिल का है, एक नया वाला वो भी दिल का है, दिल में बस जाएगा, ऑलरेडी बस चुका है। ये कलर बहुत ही मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत ही फेवरेट कलर है मेरा, मैट ब्लैक। एंड कैसा लगा मेरा आज का वीडियो और मेरा नया वाला हेलमेट, मेरा नया वाला दोस्त, मेरा नया वाला राइडिंग पार्टनर, कैसा लगा इस शानदार ब्यूटी को ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और आगे भी बहुत सारा इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स आने वाला है, स्टे ट्यून्ड। एंड जिन लोगों ने अभी तक एजी फिल्म्स को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लीजिए जल्दी से जल्दी। एंड बहुत सारा इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट मैं लेके आने वाला हूँ। पूजा इज कमिंग, तो दुर्गा पूजा स्पेशल ब्लॉग्स विल कम, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर दोस ब्लॉग्स एंड फॉर लॉट्स मोर एंटरटेनमेंट एंड विथ सम गुड कॉन्टेंट्स। तब तक के लिए राइड हार्ड, राइड सेफ विथ माई MG ब्यूटी 103, एजी फिल्म्स आउट।